अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस तरह से आपने प्रतिबिंब देख लिया। अब बच्चों, प्रतिबिंब दो तरह से बनता है, अर्थात किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से बनता है वह दो प्रकार का होता है। तो आइए, वह दो प्रकार कौन कौन से हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो आइए इसको हम लोग लिख करके समझा जाता है। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रतिबिंब की एक खास बात होती है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। तो इस तरह से वास्तविक प्रतिबिंब आपने देखा। अब नंबर दो, आभासी प्रतिबिंब। अगर बच्चों आपसे कोई पूछता है कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
तो इस तरह से बच्चों आपने देखा किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती नहीं है, प्रतीत होती हैं, आभास होता है उनका, उससे हम वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इसकी एक खास विशेषता होती है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों आपने प्रतिबिंब देखा, वास्तविक प्रतिबिंब आपने देखा और आभासी प्रतिबिंब आपने देखा। कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अगर आपसे कोई पूछता है कि दोनों में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। और इसके बाद अगला बिंदु है आपका, अगला पॉइंट है गोलीय दर्पण। आपने दर्पण देखा है और अब आप जो है गोलीय दर्पण, वह दर्पण अगर आपसे कोई पूछता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बताइए वह दर्पण जिसका परावर्तक तल किसी खोखले कांच के गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल किसी खोखले कांच के गोले का एक भाग होता है, उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। जैसे मान लीजिए ये है आपका खोखले गोले का एक भाग है, इस खोखले गोले के एक भाग के एक सतह पर अगर हम पॉलिश कर दें तो दूसरे सतह से प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा। प्रकाश अगर ऐसे जाएगी तो ऐसे परावर्तित हो जाएगी, ऐसे, इसको हम कहेंगे गोलीय दर्पण। ऐसे ही मान लीजिए ये भी खोखले गोले का एक भाग है, अगर इसमें हम इस वाले तल पर पॉलिश कर दें, धसे हुए तल पर, तो उभरे हुए तल से भी प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा और यह एक दर्पण की भांति व्यवहार करने लगेगा, जो कि यह भी एक गोलीय दर्पण है। तो इस तरह से परिभाषा आपकी स्पष्ट हो गई कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल किसी कांच, किसी खोखले कांच के गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब बच्चों गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है।